हमारा सवाल ये है कि वी शुड बिगिन विद द कॉन्टेक्स्ट टू रीसेंट इवेंट्स, ठीक है जी, कुछ इवेंट हुए हैं जिसमें आपका सबसे बड़ा इवेंट हुआ है वो वैकेंट सीट्स का। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों सिस्टम नहीं बनाया जाता जो जो जिम्मेदार आ रहे हैं उनके खिलाफ पेनल्टी हो। हम लोग जो भी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं वो हम ही गाइडेंस देंगे, तो ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हमारे कहने पे उसको फॉलो करेंगी। उसके लिए हमें क्या करना है एज ए रेगुलेटर, हमें वो टाइमलाइंस या डेडलाइंस देनी है और फिर वी हैव टू मेक श्योर कि वो डेडलाइंस फॉलो की जाए। तो अभी के सेशन में इस तरह से था कि हमारे रेगुलेशंस में तो क्लियर कट डेडलाइंस लिखी हुई थी कि जी 10 जनवरी तक पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने करना है, उसके बाद 30th ऑफ जनवरी तक की टाइमलाइंस थी हमारी प्राइवेट के लिए, और फिर 10th फरवरी तक था कि आपने जो स्पेशल सीट्स हैं या एंट्री के लिए काउंसिल ने स्पेशल प्रोविजन दी। एंड टाइम टू टाइम हमने यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, उनको लेटर्स भिजवाए, उनको अपने पब्लिक नोटिसेस पे के थ्रू इन्फॉर्म किया, अपनी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म किया कि दैट दे हैव टू फॉलो दीज 10 टाइमलाइंस। तो ये फैसला जो वेकेंट सीट्स के हवाले से था, ये काउंसिल ने इसलिए लिया क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि वो सीट्स वेकेंट उस तरह से जाएं, और डेफिनेटली हमें ये भी मालूम था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छे मेरिट लेकर बैठे हुए हैं, बट फॉर सर्टन रीजंस कि जी कॉलेज नहीं उनको टाइमली अपनी प्रोसेसेस पूरी कर पाए तो उन बच्चों का नुकसान ना हो। एक और क्वेश्चन था कि इसके मुतालिक कोई खास हमें डिटेल्स नहीं बताती थी, नेशनल स्कॉलरशिप, मतलब ये क्या क्राइटेरिया, बेसिकली नीड है या मेरिट है या वोट है, किस क्राइटेरिया पे ये दिया जाता है? क्योंकि अभी तक आ रहे हैं बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमें अब आने लग गए, मेल्स आती हैं उसके लिए कि भाई आपका स्कॉलरशिप आ गया, तो उसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, क्या असेसमेंट है? देखिए उसमें ना बच्चों से कुछ कागजात, उनके कुछ एविडेंसेस मांगे गए थे। अब अगर स्कॉलरशिप आपने एलोकेट करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, उसमें उन बच्चों की फॉर एग्जाम्पल बताऊंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि स्टेटमेंट ऑफ नीड मंगवाई, उनसे उनसे एविडेंसेस मंगवाए कि वाकई वो हकदार हैं उस स्कॉलरशिप के नहीं। हमारे पास तकरीबन कोई 10,000 एप्लीकेशन आई थी। अब उन 10,000 में फिर हमने ये भी देखा कि मेरिट में वो बच्चा कहाँ फॉलो करें। अगर वो बच्चा बहुत हाई स्कोर भी लिया हुआ है प्लस उसके पास एविडेंस भी है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं करता, तो फिर पीएमसी ने कहा कि ठीक है वी आर हियर एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। तो वो उन बच्चों के तमाम चीजें देखी गई, मेरिट क्या है, जाहिर है जो बच्चा बहुत हाई स्कोर लेके बैठा हुआ है लेकिन अफोर्डेबिलिटी इशू है, उसके घर वाले नहीं सपोर्ट कर पा रहे उसको, और उसने वो चीज अपने एविडेंस के थ्रू जो कि जाहिर है वो वेरिफिकेशन हमारा काम था करना जिसमें थोड़ा इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क पे तो वाकई में जी, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अबाउट इट, बट डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प दोस डिजर्विंग स्टूडेंट्स। दिस वाज नेवर डन अर्लियर, सो दिस इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, एन इनिशिएटिव फॉर दोस चिल्ड्रन हु वांट टू परस्यू दिस करियर, मेडिकल करियर, बट ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी इशूज वो नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है और इसमें हमें बड़ी अप्रिसिएशन दुआएं पेरेंट्स ने, जिन लोगों को हमने भेजा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है।